हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, स्टोरी टेलिंग के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे द इविल विद इन गेम की, जो एक थर्ड पर्सन सर्वाइवल हॉरर गेम है और इसे डेवलप किया है टैंगो गेम वर्क ने। इसके पब्लिशर हैं बतेस्टा सॉफ्टवर्क और इसके डायरेक्टर हैं रेजिडेंट इविल सीरीज के मशहूर निर्माता सिंजी मिकामी। ये गेम दोस्तों अक्टूबर 2017 में वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई थी, जो प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 एंड पीसी तीनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। गेम की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सबेस्टियन अपनी टीम के साथ बीकन मेंटल हॉस्पिटल में सामूहिक हत्याओं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर हर जगह मरे हुए लोगों की बॉडीज और खून फैले हुए दिखते हैं। सबेस्टियन इन्वेस्टिगेट करते हुए सीसीटीवी रूम में पहुंचता है और वहां उसे घायल डॉक्टर मिलता है, पर उसके पहुँचने तक वो मर जाता है। उसके बाद सबेस्टियन सीसीटीवी में देखता है कि सीसीटीवी की मदद से कोई सुराग मिले कि यहाँ क्या हुआ, क्या था आखिर। तब वो देखता है कि एक पुलिस टीम किसी अदृश्य इंसान पर गोली चला रही है। देखते ही देखते वो सारे पुलिस टीम को मार देता है और सबेस्टियन की तरफ देखता है। इतने में वो उसके पीछे आ जाता है और सबेस्टियन को बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो उल्टा लटका हुआ किसी अनजान जगह पर होता है और वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढता है। इतने में उसके पीछे चैन सब्स लेकर एक आदमी भागते हुए आता है। सबेस्टियन उससे बचते हुए भागता है, लेकिन वो सबेस्टियन तक पहुंच जाता है और उसके पैरों पर वार कर देता है। सबेस्टियन लड़खड़ाते हुए वहां से भागने में कामयाब होता है। दोस्तों, जिसके बाद गेम की असली शुरुआत होती है। वहां से बचने के बाद सबेस्टियन बाहर निकलता है और वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है। इतने में उसका एक साथी एम्बुलेंस लेकर आता है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। You never came out. I waited, but please settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie.
शहर में हो रहे भूकंप से बचने के बाद वो लोग सेफ जगह पर जा ही रहे होते हैं कि ड्राइवर शैतान में बदल जाता है और उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। टाइम बाद आंख खुलने पर वो गाड़ी से निकलता है और खुद को एक जंगल में पाता है। बाकी साथियों की तलाश में वो जंगल की तरफ जाता है और कुछ देर बाद उसे एक घर दिखाई देता है जहां शैतान सबेस्टियन पर हमला करने लगते हैं। सबेस्टियन उन लोगों को मारते हुए एक गुफा में पहुंचता है और वहां उसे लेस्ली दिखता है। लेस्ली सबेस्टियन को रोकता है और बताता है यहां बॉम्ब के ट्रैप लगे हुए हैं। सबेस्टियन उसके पास जैसे ही पहुंचता है वो वहां से भाग जाता है। सबेस्टियन उसका पीछा करते करते एक गांव में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वहां के लोगों पर लाइट हाउस की रोशनी पड़ती है वो लोग शैतान में बदल जाते हैं। Hey, are you guys from around here? I don't know where. सबेस्टियन उनसे बचते हुए तालाब में कूद जाता है और एक अंधेरी गुफा में पहुंचता है। वहां उसके पीछे चैन शब्द लिए शैतान फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार सबेस्टियन उसे मार गिराता है और उसी के हथियार की मदद से अपना रास्ता बनाता है, जिसके बाद उसे डॉक्टर मार्शेला मिलते हैं और फिर डॉक्टर और सबेस्टियन लेस्ली की तलाश में साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें कमरे में लाश मिलती है जिसके पेट में से सबेस्टियन चाबी निकालता है। इतने में उसे लेस्ली की आवाज़ आती है और वो उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। फिर डॉक्टर लेस्ली को पकड़ लेते हैं। इतने में उन पर अदृश्य राक्षस हमला करता है। सबेस्टियन उसे मार देता है। जिसके बाद डॉक्टर लेस्ली को सेफ जगह ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने में वहां उनके पीछे रूबिक आ जाता है और सबेस्टियन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक वो डॉक्टर और लेस्ली से दूर चला जाता है और वो खून की नदी में बह जाता है। होश संभाल कर वो आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ उसके पीछे रूविक फिर से आ जाता है। सबेस्टियन उससे बचते हुए भागता है और बहुत ऊंचाई से गिर पड़ता है। गिरने के बाद अजीब सी जगह पर खुद को पाता है। वहां उसे जोसेफ मिलता है। बेहोश हालत में सबेस्टियन उसे होश में लाता है और फिर दोनों मिलकर उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर अचानक उन दोनों के सिर में दर्द होने लगता है और जोसेफ उस पर हमला करने लगता है। लेकिन सबेस्टियन उसे रोकता है, जिससे जोसेफ होश में आ जाता है। आ,
कहता है कि मुझे कुछ हो रहा है। सबेस्टियन उसे कहता है कि शांत रहो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। उसके बाद दोनों मिलकर एक मैंशन में पहुँचते हैं और देखते हैं कि किड मैन एक पिंजरे में कैद है जिसमें लगातार पानी भरते जा रहा है। दोस्तों आपको ये सीन देखकर सो मूवी की याद आ जाएगी। Get me out of this thing! Wait a minute. It's another trap. Look. It's much more elaborate. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you'd better get down here. Hold on. उसके बाद वो दोनों मिलकर किडमैन को बचा लेते हैं और दोस्तों यहाँ तीनों मिलकर वहाँ से निकलने का रास्ता बना लेते हैं। आगे बढ़ते उन्हें फिर से सर में दर्द महसूस होने लगता है और उन्हें जमीन में शैतान खींच लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों वो तीनों फिर से अलग हो जाते हैं। सबेस्टियन अपने दोस्तों को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक मशीन दिखाई देती है और रूविक उसमें किसी इंसान के ऊपर रिसर्च करते हुए दिखता है। रूविक जैसे ही वो मशीन चालू करता है तब मशीन एक ब्रेन के रूप में दिखने लगती है। फिर अचानक बहुत सारे लोग शैतान बनकर सबेस्टियन पर हमला करने लगते हैं। उन्हें मारकर सबेस्टियन उस मशीन को तबाह कर देता है और उसके फटते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब उसे नर्स और एक अनजान डॉक्टर उसके पास दिखते हैं। इतने में एक घड़ी की घंटी बजने लगती है और वो होश में आता है। होश में आने के बाद वो नर्स से पूछता है, मुझे क्या हो रहा है? नर्स उसे कहती है, तुम्हें बस अपना ख्याल रखना चाहिए। इतने में हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और सबेस्टियन नर्स का पीछा करने लगता है। नर्स का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुँचता है। उतने में वहाँ एक साया तेजी से सबेस्टियन के पास आता है, लेकिन सबेस्टियन आगे बढ़ता रहता है और वहाँ अंधेरे में उसे लेस्ली दिखता है। सबेस्टियन जैसे ही उसके पास जाता है कि दोस्तों वो देखता है कि लेस्ली का चेहरा कांच का दिख रहा है और वो सबेस्टियन को किसी और जगह भेज देता है। दोस्तों हमारा प्रोटैगनिस्ट इन सब घटनाओं को समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। रास्ता खोजते खोजते उसे जोसेफ बेहोश हालत में मिलता है। सबेस्टियन उसके पास जाता है और इतने में दोस्तों उन पर शैतानों का फिर से हमला होता है। Inside, let's go. Another one? वो दोनों जान बचाकर वहां से भागते हैं। भागते वक्त उन्हें वहां एक पुल दिखाई देता है। उसे देखकर सबेस्टियन को कुछ डाउट होता है, लेकिन जोसेफ वहां चला जाता है। इतने में वहां बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसे शैतान उठाकर ले जाते हैं। लेकिन सबेस्टियन
उसे उन शैतानों से बचा लेता है। जिसके बाद दोस्तों जोसेफ इन सब घटनाओं से परेशान होकर खुद को ही गोली मारने की सोचता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे रोकता है और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। कुछ ही देर में उन्हें किडमैन दिखाई देती है, जिसे एक शैतान टूटे हुए चर्च में ले जा रहा है। सेबेस्टियन जोसेफ को स्नाइपर देकर बैकअप के लिए हाई पॉइंट पर खड़ा होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ के सारे शैतानों को मारकर चर्च में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ रूविक उनके दिमाग पर कंट्रोल करने लगता है और सेबेस्टियन को ज़मीन के नीचे फेंक देता है। लेकिन सेबेस्टियन हार नहीं मानता और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ कैद में लेस्ली दिखता है। उसे बचाकर सेबेस्टियन जा ही रहा होता है कि वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। इतने में सेबेस्टियन के पीछे से गेट कीपर आता है। दोस्तों गेट कीपर उस हथौड़े वाले शैतान को बोलते हैं जो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। पर सेबेस्टियन उसे मार देता है। जिसके बाद सेबेस्टियन हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे बताता है कि यह मशीन लोगों के दिमाग को एक दूसरे से जोड़ती है। सेबेस्टियन ये सब सुनकर टेंशन में आ जाता है और कहता है, आखिर ये हमसे चाहते क्या हैं? तो डॉक्टर कहता है कि वो हम सबको शायद यहाँ मरते हुए देखना चाहते हैं। इतने में उसके पीछे एक बड़ा सा राक्षस भागते हुए आता है। से बचते हुए सेबेस्टियन हॉस्पिटल में पहुंचता है और उसके सामने रूविक आ जाता है। वो सेबेस्टियन को फिर से बेहोश कर देता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक खुद को जंगल में बंधा हुआ पाता है और एक इंसान उसको आकर जला देता है। पर दोस्तों ये फिर से सेबेस्टियन का वहम होता है, असल में वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद सेबेस्टियन एक अनजान जगह पर पहुंचता है। रास्ता ढूंढते हुए वो बड़े से मैंशन तक पहुंचता है। वहां उसे डॉक्टर और लेस्ली दिखते हैं, लेकिन वहां फिर से रूविक उसके पीछे आने लगता है। उससे बचते हुए वो रूविक के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रूविक एक बहुत बुद्धिमान इंसान था। एक दिन जब वो अपनी बहन के साथ खेत के बने घर में खेल रहा होता है, तब कुछ लोग उसके घर में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से रूविक आग में बुरी तरह से झुलस जाता है। उसी टाइम उसकी बहन अपना बलिदान देकर अपने भाई को बचा लेती है और खुद आग में जलकर भस्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है। ये सब जानने के बाद वो डॉक्टर और लेस्ली को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और उसे दिखता है कि डॉक्टर लेस्ली को मशीन में लेटाकर उस पर रिसर्च चालू कर रहे हैं। सेबेस्टियन उन्हें रोकता है, लेकिन डॉक्टर उसे बोलता है कि यही एक जरिया है हमारा इस दुनिया से बाहर जाने का। उसके बाद वो मशीन चालू कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड तक पहुँच जाते हैं, पर मशीन फिर से बंद हो जाती है। इतने में फिर से एक बड़ा सा शैतान आता है और डॉक्टर को मार देता है। That's it. That's fine.
Doctor, run! He wants the same thing as us. He wants out! जिस वजह से सेबेस्टियन कहीं दूर जाकर गिरता है। फिर वहां से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और क्रिम्सन सिटी पहुंच जाता है। वहां फिर से शैतान उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसे मार देता है। और एक लिफ्ट के जरिए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट क्रैश हो जाती है और सेबेस्टियन नदी में गिर जाता है। सेबेस्टियन रास्ता ढूंढते हुए किडमैन तक पहुंचता है और इतने में उसके ब्रेन में दर्द होता है कि वो शैतान में बदलने लगता है। सेबेस्टियन, what is Stay back. She's my responsibility. उसके बाद हम देखते हैं कि वो किडमैन पर हमला करने लगता है, जिस वजह से किडमैन उसे मारकर बेहोश कर देती है। I'm sorry for putting you through this. I don't want to hurt you any more than I already have. आगे चलकर उस पर भरोसा नहीं करते हुए वो वहां से चली जाती है। सेबेस्टियन वहां से निकलने का दूसरा रास्ता खोजता है और फिर से उसे लेस्ली मिलता है। जैसे ही वो लेस्ली तक पहुंचने के लिए दरवाजा खोलता है, वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन वो फिर भी इधर उधर लेस्ली को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे जेसोप मिलता है और कहता है कि शायद सब खत्म हो गया है। फिर दोनों गाड़ी की तलाश में निकलते हैं। वहां उन्हें एक बस दिखाई देती है और इतने में वहां भागते हुए किडमैन भी आ जाती है। किडमैन बस को स्टार्ट करके भगाती है। इतने में जेसोप और सेबेस्टियन की नजर पड़ती है कि उनके पीछे बड़ा सा शैतानी जानवर पड़ा है। वो शैतान आकर बस की छत तोड़ देता है। सेबेस्टियन और जोसेफ उसे गोली मारने लगते हैं, लेकिन शैतानी जानवर उन पर हमला करते रहता है। जैसे ही वो सेबेस्टियन को मारने ही जाता है कि वो टनल से टकरा जाता है। थोड़ी दूर जाने पर जोसेफ घायल हो जाता है। सेबेस्टियन जाकर एक एम्बुलेंस से मेडिकिट लेकर आता है। इतने में वहां बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। किडमैन उन्हें बस से कुचलते हुए तेजी से आगे बढ़ती है।
I'm gonna push through. It's gonna get Allura. अचानक रूविक अपनी शक्तियों से बस को हवा में उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो तीनों अलग अलग होकर गिर जाते हैं। उसके बाद सबेस्टियन और जोसेफ किडमैन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। कुछ देर बाद जोसेफ गेट कीपर पर गन चलाने लगता है। सबेस्टियन उस शैतान को मार देता है। किडमैन लेस्ली को अपने साथ प्लेग्राउंड लेकर आती है। वहां लेस्ली को शूट करने ही वाली होती है कि सबेस्टियन उसे रोक देता है। फिर लेस्ली वहां से भागने लगता है। किडमैन उस पर फायर करने लगती है और उसके हाथों जोसेफ मारा जाता है, जिसके बाद किडमैन लेस्ली के पीछे भागती जाती है। उनका पीछा करते हुए सबेस्टियन स्टेम रूम तक पहुंच जाता है और वहां उसे डॉक्टर और रूविक के बीच की बातों का सीन दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर रूविक से भी धोखा करता है मोबियस से मिलकर, जिसके बाद सबेस्टियन उस मशीन को गोली मार के तबाह कर देता है। इतने में वो मशीन से लोग शैतान बनकर निकलते हैं। सबेस्टियन उनको भी मार देता है। जैसे ही मशीन तबाह होती है वो फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन जब होश में आता है तो फिर से खुद को उसी हॉस्पिटल में पाता है। कुछ देर बाद उसे लेस्ली दिखता है। सबेस्टियन उसका पीछा करता है, लेकिन इतने में वहां भूकंप आ जाता है और वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। सबेस्टियन वहां से आगे बढ़ता है तो उसे बीकेन मेंटल हॉस्पिटल दिखाई देता है। उसमें सबेस्टियन जाता है। उसके बाद फिर से लेस्ली दिखता है। सबेस्टियन उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तब फ्लैशबैक दिखाई देता है जो उसने शुरुआत में देखा था सीसीटीवी रूम में, लेकिन इस बार रूविक उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। जान बचाने की कोशिश में सबेस्टियन उसे अपनी लालटेन से मारता है और वो जल जाता है। जलते जलते वो सबेस्टियन को शैतानी दुनिया में ले जाता है। जहां सबेस्टियन उसके शैतानी दुनिया से भागने में कामयाब हो ही जाता है और फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां उसने लेस्ली को देखा था। उसके अंदर जाने पर वो देखता है कि मशीन से सारे लोग जुड़े हुए हैं। इतने में मदद की पुकार करते हुए लेस्ली उसके पास पहुंचता है और उसके पीछे किडमैन भी होती है। सबेस्टियन लेस्ली को बचाने के लिए किडमैन पर गन तान देता है। इतने में मशीन में कुछ हलचल होती है और वो लोग शैतानी दुनिया में चले जाते हैं। रूविक लेस्ली को छूकर पानी में बदल देता है, जिसके बाद दुनिया में कुछ बदलाव होने लगते हैं। Thank you.
और फिर एक बहुत बड़ा शैतान उनके सामने आ जाता है। सबेस्टियन गन लदी गाड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सबेस्टियन को दूर फेंक देता है, जिससे सबेस्टियन जाकर एक रोड से टकरा जाता है और वो रोड उसके सीने के आर पार हो जाती है। इतने में एक मिसाइल उसको मरे हुए सिपाही से मिलती है और वो उस मिसाइल से उस शैतान को मार देता है। रुविक के मरने के बाद उसे होश आता है और उसके सामने किडमैन दिखाई देती है। वहां से उठने पर वो समझ जाता है कि अब तक जो भी उसके साथ हुआ वो सब इस मशीन की वजह से हुआ। फिर जब वो हॉस्पिटल के बाहर निकलता है तो उसे आखिरी बार लेस्ली दिखाई देता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी गेम का एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस गेम के अंदर थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन, एडवेंचर सभी कुछ था। एक हॉरर गेम में मैं मानता हूँ कि एक बेस्ट गेम है गेम प्ले में भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गेम का सेकंड पार्ट भी आ चुका है और उसकी स्टोरी में जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नए व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो, लाइक एंड ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।